तो फाइट करने के लिए सभी के सभी रेडी होना, यस ठीक है। अब फाइट कैसे करना है प्रैक्टिकली वो बता रहा हूँ आपको। पहली चीज, जितनी भी नेगेटिविटी है उससे आप दूर रहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, तरह तरह के वीडियोस आते हैं जिसमें एवरीडे बहुत ग्रिम पिक्चर दिखाई जाती है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे एक्चुअली क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। क्योंकि जब जब हम एंग्शियस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो इम्यूनिटी सप्रेस होती है और हमें और भी ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव बातों से, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है तो आप बोल सकते हैं पेरेंट्स को या आपके जो भी जानकार हैं कि यार इसके बारे में अपन ज़्यादा बातें ना करें। तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओवर कॉशियस हो गए। ओवर कॉशियस हो गए तो भी आपका नुकसान है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगर आप जेई 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यार देखो टाइम आपके पास एक्स्ट्रा मिला है, एग्जाम अभी पोस्टपोन हो गया, तो अगर हम एक टाइम टेबल बना के प्रॉपर उसको फॉलो करें, ठीक है, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई चैप्टर तो रहा होगा। अभी भी हो सकता है आपके पिछले जो अटेम्प्ट से उनमें परसेंटाइल अच्छा नहीं आया हो या जो आप चाहते हैं वो रैंक वो मार्क्स आप अचीव नहीं कर पाए हो, तो यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, आप प्रैक्टिस कर सकते।